देखिए बेटा, हम लोग पीरियडिक टाइम समझेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग। और देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग इधर साइड देखिए, झूला पे एक लड़की जो है झूला झूल रही है, ठीक है। और दूसरे साइड में आप देखिए, एक लड़की के साथ एक लड़की और बैठा ली गई, यानी दोनों एक साथ झूला झूल रही है, तो इनके पीरियडिक टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर मान लीजिए दो के स्थान पर तीन कर दे, तीन से चार कर दे, तो पीरियडिक टाइम यानी आवर्तकाल का मान इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, तो क्या हो सकता है बताइए? यानी जो आवर्तकाल जो है मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो मास जब डिपेंड नहीं करता है तो एक लड़की के साथ चाहे दो बढ़ा दे चाहे तीन बढ़ा दे, पीरियडिक टाइम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाया है, लेकिन पीरियडिक टाइम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला जो होता है कैसे डिपेंड नहीं करता है। देखिए टी इक्वल कितना है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है ना। तो टी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, यानी पीरियडिक टाइम जो है लेंथ के प्रोपोर्शनल टू है, तो लेंथ इंक्रीज करेगा तो पीरियडिक टाइम भी इंक्रीज करेगा, और अगर डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा क्योंकि प्रोपोर्शनल टू है। ऐसे ही रेसिप्रोकल जो है टी रेसिप्रोकल ऑल अपॉन रूट जी, यानी जी जो है जी का मान अगर घटेगा तो टी का मान बढ़ेगा, टी यानी पीरियडिक टाइम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने या नीचे जाने पर जी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, जिस कारण आवर्तकाल जो है आपका पीरियडिक टाइम बढ़ जाता है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे। यही कारण है कि अगर किसी स्टॉपवॉच को पहाड़ पे ले जाए किसी ऊंचाई पे तो सुस्त पड़ जाती है, और वही अगर नीचे खान भी ले जाए कहीं तो भी घड़ी सुस्त पड़ जाती है। जिसका रीजन समझ में आया कि टी कैसे डिपेंड करता है, तो पहला तो रीजन ये हो गया कि टी मास पर डिपेंड नहीं करता है, जिस कारण आपको देखिए डायग्राम और एग्जांपल की सहायता से समझाया है, ठीक है ना। तो टी के अकॉर्डिंग गौर करिए, फॉर्मूला भी आपको लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है निरंतर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, डिटेल्स और आगे दिखाएंगे आपको, ओके।